तरफ मोहनलाल जी की सरकार ने 27% आरक्षण और आरक्षण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी तरफ एक पत्र आज स्टाफ नर्स में भर्ती के लिए श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के डीन ने जारी किया, जो पत्र क्रमांक है 16587/ स्थापना 2000 जारी के साथ एक साफ साफ जनरल वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते, समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से, शिवराज सरकार की मंशा उनके अधिकारियों ने जारी कर दी है। यदि सामान्य से 3% ऊपर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप सामान्य से भी ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, फिर 14% आरक्षण रह ही नहीं गया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि सामने आइए, शिवराज सरकार को भगाइए, वरना आरक्षण तो आरक्षण आपको जनरल यानी सामान्य से भी ज्यादा प्राप्त करने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि ये पत्र जो डीन श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय ने जारी किया है, आप में से किसी को चाहिए, मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता हूं। और यह मंशा शिवराज सरकार के अधिकारियों ने जाहिर कर दी है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त।